काढ़े साढ़े बहुत सारे किसान वीर जां कई बीबियां भी इस चीज़ को बहुत तरजीह देते हैं कि सून तो बाद गावां नूं जां मझां नूं काढ़े जरूर पिआउणे चाहिए ने जां होर चीज़ां इहो जिहियां बड़ियां खवाउणियां चाहीदियां तां कि गावां जिहड़ियां हैगियां उह साफ हो जाण उहनां दा यूटरस की क्लीनिंग वधिया तरीके दे नाल होवे। ठीक है जी, ये कोई शक वाली गल नहीं कि ठीक जो तुसीं इहो जिहे आयुर्वेदिक नुस्खे करदे हो ते वधिया परफॉर्मेंस दिंदियां ने, पर ये ना जे तुसीं सही मायने दे विच सोचो तो ये बहुत ही लिमिटेड एनिमल्स के उत्ते सीमित है। मतलब तुहाडे कोल 5-10 जानवर है गया, हो सकता है तुसीं 10 एनिमल्स के उत्ते भी ये चीज़ नूं लागू कर सको, पर जदों इहनूं तुसीं डेयरी फार्मिंग नूं एक कमर्शियल स्टेज के उत्ते जाके करदे हो ना, उदों जो तुहाडे कोल 100 गावां की काविंग होनी है, तुहाडियां 100 गावां मिल्किंग के उत्ते आनियां ने, कि तुसी हर एक नू आ चीज़ां प्रैक्टिस करवा सकते हो कि तुहानू लगता है कि ये चीज़ां पॉसिबल हैगियां ने। ये चीज़ां औखियां हो जांदियां जदों हर्ड बड़े वड्डे हो जाते हैं, तुहाडे कोल 5-7 गावां की काविंग इको दिन दे विच हुंदी है, तो फिर ये सारिया चीज़ां जिहड़े प्रैक्टिस करनियां ना, ये चीज़ां औखियां हो जांदियां ने। इहदा सब तो बेस्ट सल्यूशन हुंदा तुहाडी गावां दा न्यूट्रीशन। जे तुसी अपनी गावां दी खुराक दे उत्ते सही तरीके दे नाल काम कीता, एक वैल बैलेंस्ड फीड डाइट उहनां नूं दित्ती है, तो ये सारियां चीज़ां करन दी जरूरत नहीं पैंदी। मान लो हुण तुसी की कीता कि जिद्दां तुहाडी गां दी काविंग होई है, ठीक है, तुहाडी गां नूं तुसी की जिहड़ियां शुरुआती दिन दे विच हफ्ता 10 दिन तक जिहड़ियां गावां हुंदियां ना, इहनां दा दुद्ध बड़ा संघना रहिंदा है। इस टाइम दे उत्ते गावां दे विच जिहड़ा दुद्ध विच फैट ते प्रोटीन दा कंटेंट बड़ा ज़्यादा वध जांदा है, जिहदे करके गावां नूं जे शुरुआती तौर दे विच तुसीं उहनां नूं पूरा एनर्जी भरपूर राशन नहीं देंदे ते फिर प्रॉब्लम वालियां गल्लां हो जांदियां ने। आम तौर पर कहिंदे ने कि जे गावां 7-8 दिनों तो पहला मैला मारन लग गई जां 10 दिन दे विच मैला मारन लग पई ते एक कच्चा मैला मारदी पई है, ये चीज़ चंगी नहीं हैगी। साइंस ये कहती है कि जे तुसी तुहाडी गां काविंग तो बाद एक वधिया इनटेक लैंदी पई है, एक प्रॉपर डाइट खांदी पई है, वधिया फीड खांदी पई है, तो उन्हों मैक्सीमम जिहड़ा मैला वह पहले 10-12 दिनों दे विच मार देना चाहिए। ठीक है, मैक्सीमम यूटरस क्लीनिंग उन्हें पहली शुरुआती 10-12 दिन दे विच उन्हों कर देनी चाहिए है। तो जे तुहाडी गां बहुत वधिया तंदुरुस्त है, वह खाँदी पीती वधिया, तो उन्होंने 15 दिन तो बाद बिल्कुल बहुत घट मैला मारना चाहिए, ना मात्र जहा मैला जिहड़ा हैगा वह रह जाना चाहिए। उस 10-15 दिन तो पहला उहदी पूरी यूटरस की क्लीनिंग हो जानी चाहिए है, जे तुसीं अपनी गां नूं एक वैल बैलेंसड राशन दिंदे पे हो। ठीक है, तुसी अपनी गां नूं शुरुआती तौर दे विच जदों काविंग तो बाद तुसी उहनूं एनर्जी भरपूर राशन देना। हुण कई की करदे आ कि जिन्हां दे कोल कणक है वह सिर्फ कणक दा दलिया खवाई जांदे, जिन्हां दे कोल मक्की है वह सिर्फ मक्की दा ही दलिया खवाई जांदे आ। ठीक है, आपां इह चीज़ां नहीं करनियां, तुसी राशन नूं मिक्स कर, जे दलिया भी बनाउणा तुसी मक्की मिक्स कर सकदे हो, तुसी जौ मिक्स कर सकदे हो, तुसी कणक मिक्स कर सकदे हो, जे जौ नहीं है कि तुसी कणक ते मक्की दा दलिया मिक्स करके भी अपनी गावां नूं खवा सकदे हो, विच तुसी गुड़ पा सकदे हो, जिहदे नाल की है कि तुहाडी गावां दे विच एनर्जी की कोई कमी नहीं होएगी, तुहाडी गां नूं नैगेटिव एनर्जी बैलेंस दे विच जाण दी दिक्कत नहीं होएगी। बहुते जिहड़े 90% फार्मर्स असीं देखदे हां काविंग तो बाद नैगेटिव बैलेंस एनर्जी बैलेंस दे विच गावां चलदियां रहिंदियां ने, ते बाद विच असीं शिकायत करदे हां साडी गां पीक प्रोडक्शन ते नहीं आई, साडी गां ने मैला नहीं पूरा मारिया, साडी गां कंसीव नहीं करदी पई। ये चीज़ां तुसीं शुरुआती तौर दे उत्ते करोगे ते बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहोगे। मैं कोशिश करांगी कि इहदी इस वीडियो का नैक्सट पार्ट भी जरूर लेके आवां, तां कि तुहानू खुराकी गल्लां दे उत्ते थोड़ी होर जानकारी जिन्नी कि सानू समझ हैगी है तुहानू होर चीज़ां दस सकीए। उहदे वास्ते तुहानू चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करना पैना, वीडियो नूं लाइक एंड शेयर जरूर कर दिओ, क्योंकि जे तुसीं वीडियो शेयर कर दिओ तो होर किसी वीर नूं भी इन्हां चीज़ां दी जरूरत हुंदी है ते उहनां तक ये वीडियो पहुँचदा हो सकती है। तो आप कल नूं गल करांगे इहदे नैक्सट पार्ट दे उत्ते, तद तक लई तुसीं चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करो।